रवि, कुछ सीरियल की दुनिया से निकल के आप वेब सीरीज में आ रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। और आई थिंक वेब सीरीज कहीं की शुरू हुई ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ हुई है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। एक डेमोक्रेटाइजेशन जिसको कहते हैं कि सभी के लिए जो जो बहुत हुनर जो था जो विच वॉज स्वेप्ट अंडर द कवर और उसको OTT ने एक जीवन दिया है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, कैमरामैन हों। सो इट्स अमेजिंग। और अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। कहानी कोई डेडलाइन सेंट्रिक मीडियम नहीं है OTT, तो आप अच्छा वक्त लेकर के कहानी पूरी लिख सकते हैं। बॉन्डेड स्क्रिप्ट होती है, पहले एपिसोड से लेकर के 10वें 11वें एपिसोड तक पूरी कहानी आपको पता होती है, तो अच्छी शिद्दत से आप कहानी बनाते हैं। किसी प्रेशर में आपको डिलीवर नहीं करना पड़ता है एपिसोड, आपके एपिसोड डिलीवर करता है जब आप पूरी करते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये वेब सीरीज का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ, अभी भी बहुत धराधर वेब सीरीज बन रही है। इस वेब सीरीज में क्या खास है कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे? ट्रेलर आपने देखा? हाँ, मैंने तो देखा। कुछ पसंद आया ट्रेलर? मैंने हम लोग तो बुक कर लेंगे, हम लोग परसों डाउनलोड कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है, तो आप MX Player पे जाकर के 18 तारीख से आप देख सकते हैं। खास कई बातें हैं। अव्वल तो आपको टेरिफिक एक्टर्स हैं, रवि किशन भैया एंड पीयूष मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, नवीन असलम जी, दानिश पंडोर, सोया हैं, मधु, वेरी 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 एक बहुत ही कंप्लीट कास्ट है इस शो का। तो आपको जब जब फ्रेम में खड़ा हुआ आदमी आपको एंगेज कर रहा है, तो आधी जो ताकत है वो वहाँ आपकी जो है, आधी जो विक्ट्री है वो हो गया। सबसे अलग बात जो मैं आपको बताऊं कि 96 में मेरे ख्याल हिंदुस्तानी आई थी, जब पहली दफ़ा हमने प्रोस्थेटिक्स को इंडियन सिनेमा में देखा था, एंड वी रिमेंबर हाउ इट कम्प्लीटली बोल्ड अस यू नो ओवर। सो इट वाज समथिंग दैट वी हैड नॉट सीन बिफोर इन द इंडियन OTT स्पेस। मत्स्यकांड के साथ पहली दफ़ा आप इतना इंटेंसिव यूज ऑफ प्रोस्थेटिक मेकअप आप देखेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ है। दूसरी बात, कॉर्न थ्रिलर जॉनरा, ये अभी भी इंडिया में बहुत पॉपुलर जॉनरा नहीं, और ग्लोबली इंडिया में इन द सेंस एटलीस्ट इंटरनेट ये अपना OTT लेवल पे बहुत पॉपुलर जॉनरा नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन ये बड़ा यूनिक फैक्टर है इसका। आप 90s की फिल्मों के अगर फ़ैन हैं या 70s की फिल्मों के अगर फ़ैन हैं, उसमें आपको जो जादू दिखाई दिया करता था मनमोहन देसाई की जो फिल्में हुआ करती थी, है ना, जो पावरफुल वन लाइनर्स, जैसे रवि भैया ने भी कहा आपको तलवार की धार पर चलने का शौक होता है, या इंसान सिर्फ दो ही बार चैन के लिए चलता है, एक बार माँ की कोख में और एक बार चिता के ऊपर, तो इस तरीके की पावरफुल वन लाइनर्स, वेरी गुड बैकग्राउंड्स को, विजुअल पैलेट शो का बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं यूनिक चीज़ें गिनाने पर आऊँ तो मत्स्यकार में बहुत सारी यूनिक चीज़ें, जिसकी वजह से लोगों को इसको सैम्पल करना चाहिए और ज़रूर देखें। बाकी हमने मेहनत बहुत करी है, तो देख रही है पीछे इसी का हमने सबसे पहली दफ़ा प्रोस्थेटिक टेस्ट भी किया था, और तब हम लोगों को लगा कि नहीं, आई थिंक वी कैन कैरी दिस ऑफ। तो ये क्या कहा जाए कि ये तीनों आप लोग जो हैं कि तीनों गोरखपुर से रिलेटेड हैं, तो टीम गोरखपुर कहा जाएगा कि कहिए? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया और बड़ा ही सुंदर इत्तेफाक हो गया है हम लोगों के साथ में कि तीनों लोग जो है गोरखपुर के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा बात करें अनुभव कलाकार के साथ प्ले करना, प्लस कलाकार के साथ प्ले करना, अनुभव कैसा है? देखिए, हम तो जैसे मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि मेरे वो बड़े भाई हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक स्टेज पे हम लोग एक साथ थे, मैं उनसे बहुत मेरा भाव जुड़ा हुआ है। वो सांसद हैं क्योंकि वो उनके अंदर का सेवा भाव है, और वो बहुत ही इफेक्टिव सांसद हैं गोरखपुर से, और मुझे बड़ा गर्व होता है ये जानकर कि मेरे बड़े भाई जो है वो सांसद हैं, वो कलाकार, उमदा कलाकार हैं, लेकिन मेरा भाव तो उनके साथ एज पर्सन जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो वी आर वर्किंग एज टू एक्टर्स, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव उनके लिए। मेरे दिल में बहुत आदर है, रवि भैया के लिए बहुत आदर है, पीयूष मिश्रा जी के लिए बहुत आदर है। सबसे बड़ा जो गिफ्ट मुझे शो से मिला है वो ये है कि मुझे इस तरीके के दिग्गज लोगों के साथ काम करने का, कंधे से कंधा मिला करके काम करने का मौका मिला, और इनके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा चला। ACP का रोल निभाते निभाते मत्स्यकांड आपके हाथ लगा कि नहीं लगा? वो सस्पेंस है, मत्स्यकांड हमारे हाथ लगा कि नहीं, लेकिन मैजिक वही है, और पूरा देश अभी जानना चाहता है कि मत्स्य मेरे हाथ लगा कि नहीं, क्योंकि वो कैश मी इफ यू कैन वाली
कि एक लड़ाई है हम दोनों की, और वही इस पूरे शो को 11 एपिसोड को खींच के ले जाती। मत्स्या आगे रहता है, मैं पीछे रहता हूँ। मत्स्या मुझे बहुत बार बहुत करीब से डॉच दे देता है। मैं किसी जगह होटल के कमरे में पहुँचता हूँ और पता चलता है 5 मिनट पहले वहाँ से निकल गया। तो ऐसी कि जो सुंदर सा ट्रेसिंग चल रहा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि कहीं तो इनको भी, मत्स्या को भी मालूम है कि मैं हाथ लग जाऊँगा तो ये एसीपी हमको मार देगा जान से। और मेरी प्लानिंग ही रहती कि मैं इसको इनकाउंटर कर दूँ, और मैं इसको भूलता भी हूँ, या तो जिंदा हाथ सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं तो शायद जिंदा छोड़ दूँ। सो ये दैट इज़ द मैजिक ऑफ द शो। अच्छा रवि किशन जी, आज प्रधानमंत्री ने आपके उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस का शुरुआत की, आपके संसदीय क्षेत्र का को इससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। नेपाल से लेके पूरे उत्तर प्रदेश को हज़ारों हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। अब वो पूरे एक्सप्रेस वे भी इमेजिन, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अब 3-3.5 घंटे में हम लोग बनारस से लखनऊ पहुँच सकते हैं, 2-2.5 घंटे में हम लोग गोरखपुर से लखनऊ पहुँच सकते हैं। और रोज़गार का माध्यम इतना स्पीडअप हो जाएगा, 6 लेन 321 किलोमीटर मैच से बहुत बड़ी सौगात पूरे देश को दी। मैं समस्त पूर्वांचल को, समस्त उत्तर प्रदेश को और भारत से भी जुड़ के, जो भी उस ट्रक से सामान वगैरह लाद के ले जाएंगे, बिजनेस के लिए जो उस रास्ते को लेंगे, उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत बड़ा तोहफा दिया मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि टाइम लिमिट 2019 में उन्होंने उसका शिलान्यास किया था और आज उसका लोकार्पण हो गया। आज से लोग उस पर गाड़ी अपनी फर्राटे से दौड़ा सकते हैं। इससे बड़ी आज खुशी की बात समस्त उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आज आप दिल्ली का पॉल्यूशन कैसा लगा जी? अभी पूरा है तो मचा बहुत। मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पॉल्यूशन बहुत सुंदर पॉल्यूशन होती है, और इतने साल से बैठ के क्या पकौड़ी बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं हमको नहीं मालूम। ये पॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। मेरे घर में कुछ भी होता है उसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। वो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए था ये पॉल्यूशन कैसे निकले। आज दिल्ली जहरीली हवाओं में रह रही है, जहरीली पानी में, वो बस है।